नमस्कार, जय श्री राम। क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप सच में अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं? क्या आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यह मालूम भी नहीं होगा कि 13 अप्रैल को हम लोगों का नव वर्ष है। जी हाँ, हर साल हमारा जो नव वर्ष होता है वह इंग्लिश कैलेंडर से अलग होता है। क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए हम लोग हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं, और हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस साल 13 अप्रैल को हम लोगों का नव वर्ष है, ना कि 1 जनवरी को। 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो नव वर्ष है, उसी दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया था, और उसी दिन के बाद से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए उस दिन को नव वर्ष कहा जाता है, और इसी दिन भगवान श्री राम का राज अभिषेक किया गया था, और इसी दिन से नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। कुछ चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों हम सभी हिंदुओं को अपना हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग नव वर्ष मनाना चाहिए। वेस्टर्न जो न्यू ईयर मनाया जाता है 1 जनवरी को, उसमें और हमारे हिंदुओं के नव वर्ष में क्या डिफरेंस है, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जब वेस्टर्न न्यू ईयर होता है 1 जनवरी को, उस दिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, पार्टी करते हैं, और इन सब के कारण झगड़ा होता है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन जिस दिन हिंदुओं का नव वर्ष होता है उस दिन क्या करते हैं? सुबह सवेरे उठकर स्नान करते हैं, उसके बाद माथे पे तिलक लगाते हैं। माथे पे तिलक लगाने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शंखनाद करते हैं, फिर नीम, काली मिर्च और मिश्री की चटनी बनाकर खाते हैं, फिर हम अपने भगवा हिंदू ध्वज को फहराते हैं, और उसके बाद हम अपने घरों को नीम, पीपल, अशोक या फिर आम के पत्तों से सजाते हैं, और फिर शाम में हम लोग अपने सारे परिवार वालों के साथ एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते हैं। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न न्यू ईयर में और हमारे नववर्ष में। अब चॉइस आपकी है, आप धूम्रपान वाला नववर्ष मनाना चाहते हो, या फिर अपने परिवार वालों के साथ बैठ के भजन कीर्तन करने वाला और सेहतमंद कार्यों को करने के लिए बढ़ावा देने वाले नववर्ष को मनाना चाहते हो। तो हम सभी लोग ट्विटर पे #13 अप्रैल नववर्ष ट्रेंड करा रहे हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ को ट्रेंड कराने में हमारी मदद करें, और हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।